नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। पितृपक्ष पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान मुख्य होते हैं। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में यमराज मृत जीवों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण करें और पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं। श्राद्ध की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, यानी कि अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का पर्व ही पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है। दुनिया से विदा हो चुके पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची भावना के साथ जो तर्पण किया जाता है, बस उसे श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में कब करें किसका श्राद्ध? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने घर के सभी दिवंगत लोगों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जो तिथि अंतिम श्वास परित्याग करते समय विद्यमान हो। उस तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय 12:30 से दोपहर 1 तक के बीच में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर आप अपने दिवंगत लोगों की मृत्यु तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही करें। अगर आपके घर में जिन लोगों की स्वाभाविक या सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो, आपको उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि त्रयोदशी या अमावस्या के दिन आपको उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। आपके परिवार में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अकाल मृत्यु जिन लोगों की भी होती है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर क्यों न हुई हो। सौभाग्यवती स्त्री अर्थात पति के रहते हुए जिस महिला की मृत्यु हो गई हो, उस महिला का श्राद्ध नवमी तिथि पर ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी हो। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो लेकिन उनकी तिथि पता ना हो, तो उन स्त्रियों का श्राद्ध भी मात्र नवमी तिथि को ही करने का विधान है। सभी वैष्णव सन्यासियों का श्राद्ध एकादशी तिथि पर ही किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाता है। दोस्तों, जिन परिजनों को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है, जैसे कि शस्त्रघात, आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर ही किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण पूरे विधि विधान से करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर ये कार्य आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पितृपक्ष में पितरों की पूजा के दौरान, यानी कि श्राद्ध तर्पण के दौरान, खास ध्यान रखने की बात ये है कि पूजा में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने से परिवार पर उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दौरान विशेष रूप से तांबा, पीतल या अन्य धातु के बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। भूलकर भी लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान यदि आप पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो ना ही शरीर पर तेल लगाएं और ना ही पान खाएं। इसके अलावा किसी दूसरे के घर का खाना भी इस दौरान खाना वर्जित होता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है। ये समय उन्हें याद करने का और पितरों के लिए शोक मनाने का होता है। एक तरह से शोकाकुल माहौल होता है। इसमें धार्मिक मान्यता है कि इस समय कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं और घर में किसी भी तरह की कोई नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान दरवाजे पर आने वाले भिखारी या किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराएं ना जाने दें।
इसके साथ ही साथ घर के छत पर या कहीं और पशु पक्षियों के लिए खाना अवश्य ही रखें। माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं। जो पुरुष इस दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान उन्हें अपनी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष में पुरुषों को भूलकर भी दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको धन की हानि भी हो सकती है। पितृपक्ष के दौरान घर पर ही बनाए गए सात्विक भोजन से अपने पितरों को भोग लगाना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद है तो ध्यान रखते हुए उस दिन ही पिंडदान करें, नहीं तो फिर पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान अथवा तर्पण की विधि पूजा संपन्न करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में भूलकर भी सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिंडदान करते वक्त तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहर के समय में करना चाहिए। कभी भी शाम, रात, सुबह या अंधेरे में श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों और चींटियों को भोजन खिलाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे कि मुंडन, वाहन खरीदना या कोई नई जमीन खरीदना या व्यापार खरीदना या गृह प्रवेश करना, शादी विवाह इत्यादि कार्य श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान केवल आप घर की जो बहुत ही जरूरी चीजें होती है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें होती है, बस वही चीजें आप खरीद सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति नाखून भी नहीं काटें। श्राद्ध पक्ष के दौरान तंबाकू, सिगरेट, धूम्रपान, शराब इत्यादि का सेवन भी ना करें। यदि संभव हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आप अपने घर में चप्पल पहनकर ना रहें। श्राद्ध पक्ष में नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही खरीदे हुए नए वस्त्र, नई चादर वगैरह रखे हैं तो आप उन्हें श्राद्ध से पहले एक बार अवश्य ही पहन लें। चादर वगैरह है तो एक बार उन्हें अवश्य ही बिछा लें, क्योंकि श्राद्ध के दौरान कोरे कपड़े का, यानी कि बिना पहने हुए, बिना इस्तेमाल किए हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीजें खाने से भी मना किया गया है, जैसे कि चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग, प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान डिओडोरेंट या फिर परफ्यूम लगाने से भी बचना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान शरीर पर तेल या साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान क्रीम पाउडर भी नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर श्राद्ध पक्ष के दौरान कपड़े धोने की या फिर कपड़े सिलने की भी मनाही होती है। इन सभी बातों के साथ साथ इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति ना तो किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न खाएं और ना ही किसी दूसरे के घर में बैठकर श्राद्ध कर्म करें। यानी कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तो अपने घर पर बैठकर करें या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या सार्वजनिक मंदिर पर जाकर आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के घर पर जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना करें। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो तमाम दुखों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, उसके पितरों को शांति नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप पितृपक्ष के दौरान करेंगे तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। कहते हैं, घर हो या व्यापार स्थल, पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, तस्वीर हमेशा दक्षिण पश्चिम की दीवार या कोने पर ही लगाएं, इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें, तस्वीर के ऊपर फूल माला चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पितरों को अच्छा लगता है और वे प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों की जयंती और बरसी मनाना कभी भी ना भूलें। इस दिन कोई ना कोई आयोजन जरूर करें, भले ही छोटा सा ही करें, लेकिन उन्हें याद जरूर करें। साथ ही उनकी याद में खाना और मिठाइयां भी बांटें, इससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम पर प्याऊ बनवाएं। कहते हैं कि इससे उन्हें काफी प्रसन्नता मिलती है।
इसके अलावा उनके नाम पर श्मशान में बैठने की व्यवस्था करवाएं। यदि चाहें तो कोई चबूतरा बनवा सकते हैं या फिर चबूतरा बना हो तो उसके ऊपर शेड भी डलवा सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक दान करें, चाहे तो धन या किसी अन्न वस्त्र या जरूरत की वस्तुओं का दान भी दे सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में रोज पितरों के निमित्त जल जौ काले तिल और पुष्प के साथ पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भगवद गीता और गरुड़ पुराण का पाठ कराने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुबह स्नान करने के पश्चात ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में श्री गीता जी का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को पितृपक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को शांति तो मिलती है, इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।